हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुजाता तिर्की, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। आज आप लोगों के साथ क्लास 11th का ये पहला क्लास है। आज हम लोग साइकोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे। साइकोलॉजी का अर्थ है मनोविज्ञान, और ये विषय आप लोगों के लिए बिल्कुल ही नया है। यह अन्य विज्ञान की तुलना में मनोविज्ञान एक नया विज्ञान है। मनोविज्ञान में प्राणियों का अध्ययन करता है। जब मनुष्य ने एक दूसरे को जानने और उसके विचारों को समझने की कोशिश की होगी, अपने और दूसरे के अनुभवों को समझना ही मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है। इसमें प्राणी कैसे प्रत्यक्षण करता है, कैसे सीखता है, कैसे सोचता है, कैसे याद करता है या समझता है, तथा अपने पर्यावरण के वस्तुओं एवं घटनाओं के साथ किस तरह से अंतःक्रियाएं करता है आदि का अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है। इसके अलावा मनोविज्ञान कुछ प्रश्नों का भी उत्तर ढूंढने का प्रयास करता है कि व्यक्ति किसी चीज़ को आसानी से कैसे याद कर लेता है और किसी चीज़ को काफ़ी प्रयास के बाद भी याद नहीं कर पाता है। व्यक्ति में चिंतन का विकास कैसे होता है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों का प्रत्यक्षण भिन्न क्यों होता है। व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है आदि। इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए मनोवैज्ञानिक मनुष्य पर क्रमबद्ध रूप से प्रयोग करते हैं। वे पशुओं तथा पक्षियों पर भी प्रयोग करते हैं ताकि उसके आधार पर मानव व्यवहार को ठीक ढंग से समझने में मदद मिल सके। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि मनोविज्ञान क्या है, व्हाट इज साइकोलॉजी। मनोविज्ञान दो ग्रीक शब्दों साइके तथा लॉगस के मिलने से बना है। साइके का अर्थ होता है आत्मा तथा लॉगस का अर्थ होता है विवेचना करना, या तो कह सकते हैं ज्ञान अर्थात बातचीत करना। अतः इसका शाब्दिक अर्थ के अनुसार मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय माना है। विलियम वुंड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने लिप्जिक विश्वविद्यालय में 1879 में पहला मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोला था। आगे देखते हैं कि साइकोलॉजी का सिलेबस क्या है, जिसमें कि पहला है व्हाट इज साइकोलॉजी, मनोविज्ञान क्या है। सेकंड, मेथड ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी, मनोविज्ञान में जांच की विधियां। थर्ड, बेस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार का आधार। फोर, ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास। पांचवा, सेंसरी अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेस, संवेदी औदानिक एवं प्रत्यक्षिक प्रक्रियाएं। सिक्स, लर्निंग अधिगम या सीखना। सेवन, ह्यूमन मेमोरी मानव स्मृति। एट, थिंकिंग एंड लैंग्वेज चिंतन एवं भाषा। नाइन, मोटिवेशन एंड इमोशन अभिप्रेरण एवं संवेग। ये हैं थ्योरी पेपर।
इसके अलावा हम लोग प्रैक्टिकल भी करते हैं जो कि 30 मार्क्स का होता है। प्रैक्टिकल के अंतर्गत हम लोग कुछ प्रोजेक्ट्स और एक्सपेरिमेंट प्रयोग करते हैं। इसमें 1 से 9 तक थ्योरी पेपर है जो कि 70 मार्क्स का होता है और प्रैक्टिकल है जो वो 30 मार्क्स का होता है। थैंक यू।